हे गाइस, वेलकम ऑन दिस चैनल वेव्स ऑफ बायोलॉजी। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्टूडेंट्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, और अगर कोई टीचर है तो उनके लिए भी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगी आज अपीरियंसेस एंड डायग्नोस के बारे में। मतलब कि हम अपीरियंस देख के कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि ये क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। सो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको अपीरियंस दिया जाता है और पूछा जाता है कि आप क्या डायग्नोस करोगे, या फिर डायग्नोसिस दी जाती है और पूछा जाता है कि कैसी अपीरियंस होगी। सो टुडेज वीडियो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, टीचर एंड डॉक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट अपीरियंस लिखी हुई है मून लाइक फेस। मून लाइक फेस मिलता है हमें कुशिंग सिंड्रोम में। मास्क लाइक फेस होता है पार्किंसोनिज्म में, मतलब कि पार्किंसंस डिसीज में। प्रोमिनेंट आईज होती हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में। इडियोटिक आईज होती हैं मेंटल रिटार्डेशन में। हेयरी फेस इन फीमेल्स, मतलब कि फीमेल्स के फेस पर हेयर आने लगते हैं हिर्सुटिज्म में। एक्रोमेगैलिक फेस हो जाता है हाइपर पिट्यूटरीज्म में, मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट करती है, तो उसमें हो जाता है फेस एक्रोमेगैलिक फेस, जिसमें कौन सी भी डिसीज होती है एक्रोमेगैली। पेल फेस किस किस कंडीशंस में आता है, एनीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, शॉक एंड सिंकोप। रेडिश फेस होता है पॉलीसाइथीमिया, हीट स्ट्रोक एंड हाई ग्रेड फीवर में। रेडिश फेस पॉलीसाइथीमिया का मतलब ज़्यादा आरबीसीज का बनना बॉडी के अंदर। हीट स्ट्रोक या फिर हाई फीवर आने की वजह से फेस कैसा दिखता है, हमें रेडिश दिखता है। उसके बाद है पफी फेस। पफी फेस होता है अगर किडनी में कोई डिसीज है, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब कि जो ग्लोमेरुलस है उसमें इन्फ्लामेशन होना, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। उसके बाद आता है येल्लो फेस, किसमें होता है, जॉइंटिस में। जॉइंटिस के बारे में आप सबने सुना होगा, इक्टरस जॉइंटिस, जिसमें कि बिलिरुबिन लेवल जो है वो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होता है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है बिलिरुबिन की, 0.3 to 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये होती है वैल्यू नॉर्मल बिलिरुबिन की, जो कि इससे ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंटिस। ब्लूइश फेस होता है साइनोसिस में। सो गाइज, आई थिंक यू लाइक दिस लेसन। इफ यू लाइक देन प्लीज हिट लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट फील फ्री टू कमेंट बिलो। इसके अलावा अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। उसके अलावा मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, अनाटमी, फिजियोलॉजी, नीट से रिलेटेड, 11th 12th के बायोलॉजी से रिलेटेड। सो उन सारी वीडियोज़ को जरूर देखिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट।